राधे राधे। सबसे पहले तो आज आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाने जा रहे हैं, जो कि एक भाई और बहन के पवित्र रिश्ते की सौगात है। हमें भाई बहन के पवित्र रिश्ते की याद दिलाता है, उनके अटूट बंधन की याद दिलाता है। अब हम इसके पीछे जो रक्षाबंधन बनाने के पीछे जो मान्यताएं हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है, कब से इसकी शुरुआत हुई। देखिए, वैसे तो वैदिक काल से ही जो धर्म अनुष्ठान वगैरह करते थे, राजा महाराजा यज्ञ वगैरह करते थे, उन सभी कामों में ब्राह्मण देवता जो है सभी के एक मौली का धागा हाथ में बांधते थे। वो मौली का धागा ही क्या कहलाया, रक्षा सूत्र कहलाया, और वो ही एक रक्षा का प्रतीक माना गया। और बाद में धीरे धीरे जब सतयुग से इसकी कहानी जुड़ी हुई है, और उसके बाद में जो मुगल आए थे हमारे यहाँ पर, उनसे भी इसकी कहानी जुड़ी हुई है। तो कहने का मतलब है, कहीं ना कहीं रक्षाबंधन शब्द से हमें पता लग रहा है, रक्षा का शब्द का अर्थ होता है सुरक्षा, और बंधन का अर्थ है बांधना, यानी कि सुरक्षा के जाल में खुद बांधना। अब किसको बांधना, यहाँ पर हम बात करेंगे भाई की, कि भाई का जो भाई अपनी बहन की रक्षा करता है। जैसा कि हमने मुगल काल में भी देखा कि जब रानी कर्णावती पे संकट आया तो उन्होंने किसको याद किया, हुमायूं को याद किया। और इस तरह से हुमायूं ने जब रानी कर्णावती की रक्षा की, तो उन्होंने उस रक्षा के लिए उनके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधा था, धागा बांधा था, तो वही क्या कहलाया, रक्षा बंधन। इस तरह से कहने का मतलब है कि रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दर्शाता है, उनके अटूट प्रेम को दर्शाता है। ये राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में, या यहाँ तक मैं कहूँ कि भारत से बाहर के देशों में भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। हालांकि उनके नाम चाहे अलग दे दिए गए हो, नेपाल में भी ये त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि आज हिंदी महीनों के हिसाब से आज श्रावण मास की पूर्णिमा है, और हम आज के दिन इस त्योहार को मना रहे हैं। इसका मतलब है कि वो दिन था जब एक भाई ने अपनी बहन की रक्षा का वचन दिया था, तो वो दिन आज ही का दिन था, श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। इसीलिए आज हम सभी लोग अपने अपने बहनें अपने भाइयों के राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है, और भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। ये तो एक फॉर्मेलिटी होती है, बाकी असली जो इसका उद्देश्य है वो है भाई बहन के अटूट प्रेम की का बंधन, वही एक रक्षा बंधन है। जैसा कि आज हम देखते आ रहे हैं समाज में कि लड़का लड़की इसमें कोई भेद नहीं है, लड़का लड़की में लिंग भेद नहीं है। ये त्योहार जो है इस तरह से भी नहीं है कि किसी बहन के भाई नहीं है तो वो ऐसे करेगी कि हाँ भाई वो राखी किसके बांधे, ऐसा नहीं। वो किसी के भी राखी बांध सकती है और उससे उसको अपना भाई बना सकती है, उससे अपनी रक्षा का वचन ले सकती है। तो इस तरह से वैसे भी हमारा देश की विशेषता क्या है, भारतवर्ष की विशेषता है वसुधैव कुटुंबकम। क्या अर्थ है इसका, कि पूरी पृथ्वी ही क्या है, हमारा परिवार है, पूरी भारत भूमि हमारा परिवार है। इसलिए हम सब लोग इस भारत भूमि पर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और सभी त्योहारों का आनंद बड़े ही उत्साह के साथ लेते हैं। अब इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है, और कुछ ऐसी बातें जो एक तो पुराणों से जुड़ी हुई है, और दूसरी जो बाद में मुगल काल में भी आया, और आज भी हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह से भाई अपनी बहन की रक्षा करते हैं और उस बंधन की लाज रखते हैं, वही इस रक्षाबंधन का असली तात्पर्य है। इसलिए सभी भाई अपनी बहन की रक्षा करें और बहनों के को जीवन में खुशियां दे, इसी कामना के साथ हम इस त्योहार की शुरुआत करते हैं। और मैं आपको इससे जुड़ी हुई पौराणिक कहानियां सुनाने जा रही हूँ, जिनसे आप ध्यान से सुनिए, और इससे आपको पता लगेगा कि ये त्योहार आज का नहीं है, काफी सदियों से, काफी युगों से चला आ रहा है। तो सुनते हैं हम कहानी। हाँ, तो अब हम इसकी जो कहानी है, रोचक प्रसंग है, उसके माध्यम से सुनाने जा रही हूं मैं आपको। क्या होता है कि ये विष्णु पुराण से जुड़ी हुई कथा है। बात उस समय की है जब राजा बलि 110 यज्ञ कर चुके थे, और अब जो है राजा बलि बहुत ही बड़े दानी व्यक्ति थे, और वो
एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने जब उन्होंने ऐसा किया तो सारे देवता बड़े ऐसे इस तरह से हो गए कि अब उनको डर सताने लगा कि कहीं ये बलि जो है इसकी शक्ति इतनी नहीं बढ़ जाए कि ये हमारे लिए काफी मुसीबतें पैदा कर दे। इसीलिए वो सारे के सारे देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और ये सारी बात बताते हैं। फिर जब राजा बलि अपना यज्ञ संपूर्ण कर रहा होता है उसी समय भगवान विष्णु वहां पर वामन अवतार लेकर आते हैं। जब वो यज्ञ कर रहे होते हैं तो जो विष्णु भगवान है वो वामन अवतार, वामन का मतलब है छोटा रूप धरकर धरती पर आते हैं, उस यज्ञ में शामिल होते हैं। फिर उसके बाद जब वो यहाँ आते हैं तो राजा बलि से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अब तुम मुझे जो है क्या दो, वरदान दो। भगवान से वो वरदान मांगता है कि वो कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, अब तुम मुझसे बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए। तो अब वो ऐसा रूप देखते हैं भगवान का, छोटा सा वामन रूप। तो राजा बलि कहते हैं कि आप जो भी मांगेंगे मैं आपको वचन देता हूँ कि वो, क्योंकि राजा बलि क्या है बहुत बड़े दानी व्यक्ति थे, दानी राजा के नाम से वो फेमस थे, इसलिए उन्होंने वामन से कहा कि आप जो भी मांगेंगे वो मुझे स्वीकार्य होगा। अब वामन ने कहा कि मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए, दान में 3 पग भूमि दे दो, जितने मेरे 3 कदम आ जाए इतनी भूमि मुझे दे दो। अब राजा बलि ने सोचा कि इतनी सी बात, ठीक है जहां आपकी इच्छा हो वहीं से आप भूमि नाप लीजिए, कहां आपको भूमि चाहिए वहीं आप ले लीजिए। अब राजा वामन ने क्या किया, भगवान विष्णु का अवतार थे वामन जी, तो उन्होंने क्या किया अपने आकार को बहुत विशाल बना लिया, बहुत बड़ा आकार वो अपना करते चले गए। अब आप देखिए कितना बड़ा उन्होंने रूप धारण कर लिया है। अब राजा बलि डर गए कि अब क्या करे, उन्होंने एक पैर में तो पूरी धरती नाप ली और एक पैर से पूरा आसमान नाप लिया, अब धरती और आसमान नाप लिया। अब राजा बलि को चिंता सताने लगी। अब वामन कहते हैं कि बताइए अब मैं अपना 3रा कदम कहां रखूं। तब राजा बलि, क्योंकि उन्हें अपनी लाज बचानी थी, अपने वचन को बचाना था, इसलिए उन्होंने अपना सिर नीचे कर दिया। और फिर जो वामन थे उन्होंने वो उस राजा बलि से प्रसन्न हुए और उसको आशीर्वाद दिया कि बताइए आपको क्या चाहिए मुझसे, आप जो भी इच्छा हो वर मांग लीजिए। अब इस तरह से ये पैर रख देते हैं इसके सिर पर और इस तरह से वो जो बलि है वो अपना स्थान बहुत ऊंचा स्थान हो जाता है उनका। फिर उसके बाद भगवान जो है प्रकट होते हैं, असली रूप में प्रकट होते हैं और उससे कहते हैं कि ठीक है मैं, आप मुझे बताइए। तो उसने कहा कि अब तुम्हारा निवास पाताल लोक में होगा, अब हमारा निवास पाताल लोक में होगा, क्योंकि मैं धरती और आसमान तो आपको दान में दे चुका, इसलिए अब मेरा निवास पाताल लोक में होगा और वहां पर आपको मेरा द्वारपाल बनकर रहना पड़ेगा। ऐसा किसने मांगा, राजा बलि ने कहा भगवान विष्णु से। अब भगवान विष्णु जो कि वचन में बंधे हुए थे इसलिए वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। अब वो उनके साथ पाताल लोक में चले जाते हैं। अब वह पाताल लोक में तो चले जाते हैं लेकिन अब माता जो लक्ष्मी थी उनको चिंता हो जाती है कि भाई मेरे पति तो यहां से राजा बलि के साथ चले गए हैं और राजा रानी जो लक्ष्मी थी मैया लक्ष्मी वो अकेली हो गई। अब उनको चिंता सताने लगी कि मैं ऐसा क्या काम करूं। फिर वो नारद जी के पास गई तो नारद जी ने उन्हें उपाय सुझाया। क्या सुझाया कि आप ऐसा कीजिए कि वहां पर भेष बदल कर जाइए और इस तरह से वो रानी लक्ष्मी जो महारानी जो लक्ष्मी जी थी उस समय में उन्होंने वो पाताल लोक में गई भेष बदल कर और वहां उन्होंने राजा बलि से कहा कि मैं आपको रक्षा का सूत्र बांधना चाहती हूँ, आपको अपनी रक्षा के लिए मैं आपको बंधन में बांधना चाहती हूँ। तो राजा बलि ने जो कि बड़े ही दानवीर व्यक्ति थे उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया और इस तरह से माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बना लिया और उनसे वचन लिया कि जब भी उनकी रक्षा मुसीबत आएगी वो उनकी उनकी जो सहायता करेंगे। इसलिए राजा बलि अब बंधन में बन चुके थे। तो उन्होंने लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे तो, अब वो अपने असली रूप में प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि मुझे तो अपने पति अर्थात विष्णु भगवान विष्णु को मेरे साथ लेकर जाना है स्वर्ग लोक में। तब राजा बलि जो कि बंधन में बंधे हुए थे
उन्होंने इस बात के लिए हामी भर दी और इस तरह से माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को यहाँ से ले गई। वो अब आपको पता होगा कि हम अभी जो हमारे महीने चल रहे हैं वो कौन से महीने हैं जिसमें भगवान क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं देव शयनी एकादशी जब आती है तो देवता सो जाते हैं, उसके बाद हमारे शादी वगैरह के जो भी प्रोग्राम होते मतलब मांगलिक कार्य होते हैं वो नहीं होते हैं। वो इसीलिए नहीं होते क्योंकि उस समय में भगवान विष्णु जो है कहाँ चले जाते हैं, पाताल लोक में चले जाते हैं और वहां पर ये द्वारपाल का काम करते हैं, यानी कि राजा बलि के द्वारपाल के रूप में रहते हैं। और इस तरह से फिर रानी जो महारानी जो लक्ष्मी थी मैया लक्ष्मी वो विष्णु भगवान को छुड़ाकर लेकर आती है और इस तरह से राजा बलि अपनी रक्षा का वचन पूरा करते हैं और इस तरह से उन्हें अपनी बहन बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि उस समय से भगवान के समय से ये जो है परंपरा चली आ रही है, अपनी रक्षा का सूत्र उन्होंने बांधा। आप देख रहे हैं कि ये राखी यहाँ बांध रही है और इसका मतलब ये है कि ये अपनी रक्षा का वचन इन्हें दे रहे हैं और फिर उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु को उनके साथ सकुशल भेज दिया था। ये भविष्य पुराण की कहानी है। अभी अब एक भविष्य पुराण की कहानी इससे जुड़ी हुई है, एक स्टोरी मैंने आपको बताई जो कि विष्णु पुराण से जुड़ी हुई थी और ये जो स्टोरी है वो भविष्य पुराण से जुड़ी हुई है। इसमें क्या होता है कि राजा जो इंद्र है, देवलोक के राजा जो इंद्र थे उनके ऊपर जब आक्रमण हो गया तो वो बड़े विचलित हो गए कि अब वो कैसे युद्ध को जीत पाएंगे, उनके पास इतनी सेना नहीं रही या कह सकते हैं कि उस समय में वो अकेले पड़ गए। तब जो उनकी पत्नी थी सुचि, उन्होंने उनके लिए वो ब्राह्मण के पास गई और उन्होंने कहा, फिर वो भगवान विष्णु के पास गई और उनसे कहा कि भगवान मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने पति की रक्षा कर सकूं। तो उन्होंने उपाय बताया कि आप ऐसा कीजिए कि स्वस्तिक मंत्र का उच्चारण करते हुए एक रक्षा का सूत्र बनाइए और वो अपने पति के हाथ में बांध दीजिए और सारे सैनिकों के हाथ में बांध दीजिए। जितने भी वो वहां पर उनके साथ सैनिक थे उनके हाथ में वो रक्षा का सूत्र बांध दीजिए। तो इस तरह से मैया जो सुचि मैया थी यानी इंद्राणी या इंद्र की पत्नी जो थी, उन्होंने भगवान के द्वारा सुझाए गए उपाय से वो उस रक्षा के सूत्र को ब्राह्मणों से बनवाती है, उसमें मंत्रोच्चारण करवाती है और इस तरह से जब वो यज्ञ या हवन कर रहे होते हैं उनके पास सब ब्राह्मणों से उसको शुद्ध करवाती है उस रक्षा के सूत्र को। और इस तरह से राजा जो इंद्र थे वो उस युद्ध में जीत जाते हैं। इस तरह से राजा इंद्र जो है जब उस रक्षा सूत्र को इंद्राणी उनके हाथ में बांधती है, सभी सैनिकों के हाथ में बांधती है, तो राजा इंद्र उस युद्ध को जीत जाते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ एक पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए वो सूत्र शुद्ध करवा के उस रक्षा के सूत्र को जो कि एक मोली के धागे से बना हुआ होता है उसी को, आज तो ये अलग अलग तरह की राखियां चल गई है फैंसी तरह की, लेकिन जो पवित्र बंधन था वो शुरुआत इसकी उस मोली के धागे से ही हुई थी। इसीलिए आज भी हम मोली का धागा जरूर हमारे भाई के हाथ में बांधते हैं। फिर उसके बाद एक और कहानी है जो हमें इस ये हमें किस युग की है, ये भगवान श्री कृष्ण के अर्थात द्वापर युग की कहानी है। द्वापर युग की कहानी है जिसमें क्या होता है कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण शिशुपाल का वध कर देते हैं अपनी बुआ के बेटे शिशुपाल का, क्योंकि उसके पापों का घड़ा भर चुका होता है और जब उसके पाप 100 से ज्यादा हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अपने चक्र से वो विष्णु का अवतार धारण करते हैं और अपने चक्र से उसकी गर्दन को काट देते हैं, उसकी गर्दन को काट देते हैं और इस तरह से शिशुपाल का अंत करते हैं। तो यहाँ पर वो रानी जो द्रौपदी थी अपनी और द्रौपदी से भी जुड़ी हुई उसकी कहानी है। अब फिर जब वो शिशुपाल का वध कर देते हैं तो आगे क्या होता है, जब वो चक्र वापस घूम के उनकी अंगुली में आता है तब उनकी अंगुली में कट लग जाता है, छोटा सा कट लग जाता है जिससे उनके खून बहने लगता है, भगवान श्री कृष्ण के खून बहने लगता है। अब जब उन्होंने जब उनके हाथ में खून बहने लगता है तो जो द्रौपदी होती है वो उनको क्या करती है, अपने धागे जो अपना जो उन्होंने साड़ी पहनी थी उसका पल्लू फाड़कर और फटाफट उनके हाथ में बांधती है, तो इस तरह से वो उनकी रक्षा करती है।
और फिर जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, उस समय में जब उनका जब साड़ी उनकी इस तरह से चीरहरण हो रहा होता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसके चीर को बढ़ा देते हैं। अर्थात जब द्रौपदी श्री कृष्ण को अपना भाई बनाती है, वो रक्षा का रक्षा करती है उनकी, तो इसके बदले में भगवान श्री कृष्ण भी द्रौपदी की रक्षा करते हैं और उनका चीर जो है बढ़ाते जाते हैं। कहने का मतलब है कि एक भाई जिसको उन्होंने रक्षा का सूत्र बांधा था, धागा बांधा था, वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो साड़ी का पल्लू ही उन्होंने बांधा हो, लेकिन उनकी रक्षा की थी। इसका मतलब है कि ये जो चीज है, ये हमें किस चीज के बारे में बता रही है? ये हमें बता रही है कि हमें एक भाई जो है अपनी बहन की रक्षा करता है। किस किस माध्यम से? कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीरहरण होने से बचाया, अर्थात उसके चीर को बढ़ाते चले गए और इस तरह से द्रौपदी श्री कृष्ण का नाम जपती रही और इस तरह से उनके जो भाई और बहन का जो बंधन था, वो उसमें उस समय में उनका इस चीज का परिचायक है, उनके प्रेम का परिचायक है, जो उन्होंने उनका चीरहरण बचा के चीर को बढ़ा के उन्होंने उनकी रक्षा की और इसका परिचय दिया। इस तरह से हर कहानी में हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई माध्यम से एक दूसरे की रक्षा की जा रही है, है ना। और एक और कहानी जैसे मुगलों से जुड़ी हुई है, जिसमें कौन, जब हुमायूं और कर्णावती की कहानी है, जब मेवाड़ की रानी कर्णावती विधवा हो गई और उनके ऊपर सारा राजपाट का भार आ गया, तो गुजरात का जो शासक था उसने बादशाह उसने सोचा कि क्यों न मैं मेवाड़ को हथिया लूं। तो उसने मेवाड़ पर आक्रमण करने की वो योजना बना रहा था। तो रानी कर्णावती ने क्या किया, अब उसको एहसास हो गया था, आभास हो गया था कि अब मेरे ऊपर आक्रमण होने वाला है और हो सकता है कि मेरा राज्य का नाश हो जाए, मेवाड़ हो सकता है कि दूसरों के अधीन हो जाए। इसलिए उन्होंने उस समय में जो हुमायूं था राजा, मुगल शासक हुमायूं था, उसको रक्षा का सूत्र भेजा, एक लिफाफे में डालकर उस समय में एक रक्षा सूत्र भेजा और उनसे गुहार की कि आप मेरी रक्षा करें, और एक बहन आपसे पुकार कर रही है, आप भाई का एक संबंध निभाते हुए मेरी रक्षा कीजिए। और उस समय में हुमायूं ने भी, मतलब मुगलों ने भी जो है, हुमायूं अपनी सेना लेकर आया और उन्होंने रानी कर्णावती की क्या की, रक्षा की थी। इसीलिए यहाँ कहने का मतलब है कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है, किसी न किसी तरीके से भाई बहन हो, पति पत्नी हो, एक दूसरे की रक्षा का त्योहार है। इसीलिए हम जो भाई बहन का जो त्योहार ये मनाते हैं, इसके अंतर्गत भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है और बहन अपने भाई को प्रेम से राखी बांधती है और इतना अपने भाई पर विश्वास करती है कि मेरे जब मुसीबत का समय आएगा तो मेरा भाई मेरी रक्षा जरूर करेगा। इसीलिए इस त्योहार को सभी जो हम सभी जो मिलजुल कर मनाने जा रहे हैं, उसको सौहार्द के साथ मनाए, विश्व बंधुत्व की भावना हमारे अंदर हो और हमें सबकी रक्षा का जो है प्रण इस दिन करना चाहिए। देखिए, रक्षा करना सबसे बड़ा, वो कहते हैं ना कि परम हित सर्व सबसे बड़ा हित होता है, सर्व हित, दूसरों का हित करना सबसे बड़ा हित होता है। इसीलिए हमें इस बंधन के माध्यम से, बंधन जरूरी नहीं है कि वो बड़ी बड़ी राखियां या सोने चांदी की राखियां हो, मात्र एक मोली के धागे से भी इस बंधन को मजबूत बनाया जा सकता है। इसीलिए आप सभी इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ अपने परिवार को मनाएं और आप सभी को VSA फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। धन्यवाद।